देखंतु छात्र कांग्रेस कि कांग्रेस पार्टी ओडिशार शिक्षार भित्तिमि सब लड़े करके आबी रखी ए सरकार केवे सरकारी स्कूल पर गुरुत्व दिंती ना कि सरकार केवे चाहती ना ए राज्यर छात्र मैंने शिक्षित हूँ जदि राज्यर युवक मान छात्र मैंने शिक्षित हे मदमांसरे भोट पाई जितबे नहीं सरकार एथिपे आपण देखिथे राज्य स्कूल हो सरकारी स्कूल हो कॉलेज हो क्लासरूम ठीक ना शिक्षक शिक्षयत्री ठीक ना साइंस लैब ना पिलांकर पाठ पढ़ापी ठीक भाव शिक्षा व्यवस्था ओडिशा ना एथिपाई ओडिशा छात्र माने युवक माने अशिक्षित रहउछन्ति किंतु जो माने शिक्षित अछन्ति ताकु भी सरकार रोजगार देवारे विफल होता विरोध में छात्र सब लड़े कर सब लड़े करूँ सरकार के चाहती ना ए राज्य युवक मैंने निजुक्ति पाती कहीं भुआ बुले मिछ प्रति कि मिछ कहीकि भोट पाइबे सरकार सरकार रे सी गुरुत्वपूर्ण आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने संसद में जब बोला कि हम दो और हमारे दो के नारे पे मोदी सरकार चल रही है तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे श्री राहुल गांधी जी ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन देश के संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और सीधा वहाँ पे नाम लेते हैं अंबानी और अडानी। तो जिस तरीके से मोदी सरकार देश में हम दो हमारे दो को फॉलो कर रही है उसी तरीके से आज ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार भी उसी को फॉलो कर रहा है। जब बड़ा वाला जुमलाबाज 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियों का दिल्ली में वादा करता है तो आपके इस भुवनेश्वर में ओडिशा में नवीन पटनायक प्रत्येक वर्ष 2 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन सच्चाई से आप सभी वाकिफ हैं। देश में जो लगातार भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर SSC CGL का देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से अपने वादे के अनुरूप अगर नहीं खड़े उतरते हैं तो बोले थे कि हम आप जो भी चौराहा बोलेंगे, युवाओं से वादा किया था उस चौराहे पे नरेंद्र मोदी को पाएंगे। तो आज देश का प्रत्येक चौराहा चीख चीख कर नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी आप अपने वादे के अनुरूप कौन से चौराहे पे आ रहे हैं। जैसा कि SSC SGL का मैटर, CGL का मैटर हो या अन्य देश में जितनी भी भर्तियां हैं, उस भर्तियों में जिस तरीके से RSS के लोगों को शामिल किया गया, बैक डोर एंट्री से IAS IPS में संवैधानिक पदों में जिस तरीके से एंट्री दी गई लेटरल एंट्री के नाम पे, उन सभी के विरुद्ध में NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया 12 मार्च को दिल्ली में ऐतिहासिक संसद घेराव करने जा रही है।